समाज कल्याण विभाग के शादी अनुदान, वृद्ध माता पिता बालक पोषण व जनपद स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति की बैठक जिला समाज कल्याण अधिकारी अलक निरंजन मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, डॉक्टर मुमताज खान सहित संबंधित अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में जाति प्रमाण पत्र, मृतक आश्रितों को दिए जाने वाले सहायता राशि, शादी अनुदान, वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के लिए दिए जाने वाले सहायता राशि के संबंध में चर्चा की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी अलक निरंजन मिश्रा ने कहा, मिनी अकाउंट है या राइडर लगा हुआ है, अब अगर हिनेस बैंक नहीं ना भी हो तब भी हम उनको 25,000 50,000 से 25,000 का रुपया भेजेंगे। अगर कहीं हत्या बलात्कार है तो उसमें धनराशि हो जाती है तो वो पर्सनल लॉस आता है। तो एक बार हमारे थानाध्यक्ष गढ़ जीते हैं, वो इस चीज को कल इंश्योर कर लेंगे, भाई जो खाता आपका है ये छोटा खाता तो नहीं है, कोई राइडर तो नहीं लगा हुआ है, लिमिट लगी रहती है। तो एक बार इसको सामान केवल इस चीज को देख लेंगे, तो हम जब भेजते हैं वहां से बैंक में और वो पैसा लौट आता है, फिर हम फोन करते हैं लाभार्थी को, फिर वो आता है मेरा खाता खुलवाता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखता है। तो एक बार जरा इसको ध्यान दे देंगे तो बड़ी अच्छी चीजें हो जाएंगी। तो उसमें क्या होता है कि माँ या पिता के नाम से ही वो खाता रहता है, उसको देंगे। अब क्या होता है, प्रथम दृष्टया लिस्ट में और कोई बात नहीं आती, राम सुंदर राम सुंदर राम सुंदर, तो कोई ऑडिट में भी आया करे तो बड़ा फ्रॉड हो गया है भाई, ये राम सुंदर को हमने कितनी बार नहीं दिया है। राम सुंदर की नाबालिग दो लड़की है, राम सुंदर के नाबालिग एक लड़का है, तो सुंदर राम सुंदर चलाता है, उसमें प्रयास ही करने की आवश्यकता है, जितना हो जाए उतना हम लोगों के लिए अच्छा होगा। इसमें और कोई ऐसी बात तो नहीं है, आप लोग बताएं, सर राशि नहीं मिली हो इस तरह का कोई केस आप लोगों के तैयार है, क्योंकि आप लोग इतने मानी सदस्य हैं कि एक कमेटी नहीं है, उसके साथ ही साथ सार्वजनिक जीवन जीने वाले एक आप हमारे आदर्श नागरिक भी हैं। जी, आज 3 बैठकें आयोजित की गई हैं। एक अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम के लिए जो जनपद स्तरीय समिति होती है जिसकी त्रैमासिक बैठक होती है, एक शादी अनुदान के लिए भी जनपद स्तरीय बैठक है, और एक माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक के कल्याण की नियमावली है उस संबंध में भी बैठक हुई है। ये 3 बैठकें जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं और मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, हमारे जितने भी माननीय जनप्रतिनिधिगण होते हैं, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण उसके सदस्य होते हैं, इसमें कुछ नामित प्रतिनिधि भी होते हैं और हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी जैसे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, ये सभी थे। हमारे लगभग सभी माननीय सदस्य उपस्थित रहे, लेकिन जैसा कि आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद भ्रमण के कारण हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उन्हीं के साथ हैं, इसलिए वहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ और हम लोगों ने ये बैठकें आयोजित की। इसमें संबंधित जो भी थे पदाधिकारीगण उनसे उनका मंतव्य प्राप्त किया गया और जो भी संबंधित अधिकारीगण थे पुलिस विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के, उनको समुचित निर्देश प्रदान किए गए।